करियर एक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम आज हिंदी का काव्य खंड का सेकेंड चैप्टर लाए हैं, जो कि प्रेम आयनी श्री राधिका। चैप्टर का नाम है और इनके लिखा लेखक है रस खान। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखिए कि इस पोस्ट में हम बिहार बोर्ड वर्ग दशम के पद भाग के पाठ थ्री प्रेम आईना श्री राधिका के व्याख्या को पढ़ेंगे। इस पाठ कवि में कवि रस खान है। रस खान के मूल रूप में मुसलमान थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रस खान किस जाति से बिलोंग करते थे, तो मुसलमान थे। फिर भी उन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गान किया, मतलब कि मुस्लिम थे फिर भी वो कृष्ण भक्ति का गान किए। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बाल्यावस्था से ही, मतलब कि बाल्यावस्था यानी बचपन से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए थे। इसी कृष्ण दर्शन पर उत्प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वही रहे। मतलब कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृत्यु कहाँ हुआ, तो ब्रजभूमि कहाँ हुआ था, ब्रजभूमि में। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब देखिए, यही है प्रेम आईना श्री राधिका। चलिए तो प्रेम आईना श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर वारो, लेखक रस खान, लेखक परिचय, मतलब कि इतना पढ़ना है। तो चलिए देखिए, लेखक का पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान नाम था। जन्म कहाँ कब हुआ था, 1548 ईस्वी में। कब हुआ था तो आप लोग को बताइए, 1548 ईस्वी में एक पठान परिवार दिल्ली में हुआ था। मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था तो मृत्यु 1628 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रस खान मूल रूप से मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने जीवन भर कृष्ण भक्ति का गान किया। कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपना शिष्य बना लिया। बाल्यावस्था से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। ऐसी मान्यता है कि इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर साक्षात कृष्णा के दर्शन हुए थे। कहाँ हुआ था तो श्रीनाथ जी के मंदिर में हुए थे। इसी कृष्णा दर्शन के उत्प्रेरित होकर ब्रजभूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वही रहे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख रचनाएं, इनका जो कुछ रचनाएं हैं जो आप लोग को भी याद रहना चाहिए, प्रमुख रचना यही सब है। सुजान रस खान तथा प्रेम वाटिका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रस खान का प्रमुख रचनाएं तो कौन कौन है। सुजान रस खान तथा प्रेम वाटिका। तो चलिए अब पाठ परिचय देखते हैं। अब पढ़ना क्या है इस पाठ में वो देखते हैं। यहाँ तक जो पढ़े हैं आप लोग रस खान के बारे में पढ़ लिए आप लोग कि रस खान किस जाति से बिलोंग करते थे, तो आप लोग बताइएगा, मुसलमान से। चलिए तो प्रस्तुत पाठ में रस खान के दो पद संकलित हैं। प्रथम पद दोहे और सोराठा छंद में है, जिसमें राधा और कृष्णा के प्रेममय युगल रूप का अति हृदय हरि वर्णन है। इसमें राधा कृष्णा के मनोहर रूप पर कवि के हृदय की आकर्षण व्यक्त हुई है, जबकि दूसरे पद में कवि हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण संपर्ण व्यक्त है। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अनुच्छेद का किसी प्रकार का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, प्रेम आईना श्री राधिका वाला वीडियो अब देखना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, प्रेम आईना श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद
प्रेम वाटिका, के दो माली मालिन, द्वंद, मोहन छवि रसखानी, लखी अब दृघ अपने नाही, आचे आवत धनुष, धनुष से छूटे सर में सर से जाही। तो अब इनका सॉल्यूशन देखिए, रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूप है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है, ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के समान रहते, मतलब कि राधा कृष्ण किस तरह से रहते तो माली मालिन के समान। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है, उनकी आँखें उन्हीं दोनों को देखते रहती है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते आते जाते रहते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर से देखिए, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन, द्वंद, मोहन मोहन छवि रसखानी, लखी अब दृघ अपने नाही, आचे आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मतलब कि फिर से देखिए, रसखान कवि कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूप है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है, ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के सम्मान है। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है, उनकी आँखें उन्हीं दोनों को देखती रहती है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार को भी 1% भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। मो मन मानिक लय गयो, चित्ते चोर नंद नंद, अब वे मन मैं का करूं परी फेर के फंद, प्रतिम नंद किशोर जा दीन तय नैनी लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नाही करी सको। मतलब श्री कृष्ण उसके मन के चुरा लिए हैं, श्री कृष्ण उनके मन को चुरा लिए, किनके तो राधा जी का, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गए हैं, वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। राज खान अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उसने मन चुरा लिया है, हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। चलिए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। जो मन मानिक लय गयो, चितय चोर नंद नंद, अब वे मन माय का करूं परी फेर के फंद, प्रतिम नंद किशोर जा दिन तय नैनिनी लगयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। मतलब कि श्री कृष्ण उसके मन को चुरा लिए हैं, किनके तो राधा जी को, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गया है, मतलब मन नहीं लग रहा है, वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। रसखान अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं, मतलब कि कृष्णा जी को, तो उसने मन चुरा लिया है, किनका मन चुरा लिया है तो राधा जी का, हर क्षण कृष्णा एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। चलिए, यहाँ तक 1% भी किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वाला लाइन समझ में नहीं आया है। हमारा प्रयास रहेगा ताकि एक भी लाइन नहीं छूटे समझने पे। चलिए, तो अब हम आगे चलते। करील के कुंजन ऊपर वारो, या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहूँ पूर की ताजी डारो, अठहूँ सिद्धि नबो निधि, को सुख नंद की गाई चराई बिसारो। मतलब कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीन लोक के राज का त्याग कर दूं, मतलब कि लाठी और कंबल पर तीन लोक राज का त्याग कर दूं, नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियों तथा नवनिधियों के सुख का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। ये सभी बात बोल रहे हैं राधा जी कि, मतलब कि कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक राज्य का त्याग कर दूंगा,
मतलब कि श्री कृष्ण जी का जो लाठी है और कंबल है, पर तीनों लोक के राज्य का त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियों तथा नव निधियों के सुख का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रस खानी कबो इन आखनी, सौ बरज के बनबाग तड़ग निहारो। कोटिक रौ कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। मतलब कवि का कहना है कि जब से ब्रज के वनों, निकंजों, तालाबों तथा करिल से सघन कुंजों को अपनी आँखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे महल तुच्छ प्रतीत होते हैं। अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रासलीला करते थे, वहीं निवास करूं। मतलब कि ये सभी बात है कृष्णा जी, सॉरी राधा मैया बोल रहे हैं। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हमारा चैनल पे पहली बार है होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।